नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना म्यूजियम में अब इतिहास को नए रूप में देख सकेंगे दर्शक। 158 करोड़ की लागत से बन रही है नई बिल्डिंग। बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में महंगी होगी पढ़ाई। 5 जुलाई से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। बिहार के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण अभी नहीं, जाने कहां फंसा पेच। बिहार में तेल भंडार होने के आसार। ONGC को मिला समस्तीपुर व बक्सर में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस। छठे चरण में नियुक्त हुए 42,000 शिक्षकों को अब मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए मौका बढ़ा, अब इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। पटना म्यूजियम में अब नई तकनीक का उपयोग करके लोगों को बिहार के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जाएगा। यहां लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से इतिहास के अलग अलग काल को देख सकेंगे। इसके लिए 158 करोड़ की लागत से बन रही बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें 6 गैलरियां मौजूद होंगी, जिसमें गंगा की कहानी से लेकर पाटलिपुत्र के सामाजिक ताने बाने भी देखने का मौका मिलेगा। पटना म्यूजियम में गैलरियों के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 3 कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कंपनियां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके म्यूजियम की गैलरियों को आकर्षक बनाएंगे। इसके लिए ड्रोन, सिक्का और बतुल राज एंड मेहता कंपनी को काम सौंपा गया है। बिल्डिंग की 6 गैलरियों में राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी चीजें दर्शकों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही पेंटिंग की एक अलग गैलरी होगी, जिसमें विभिन्न कलाओं की पेंटिंग होगी। साथ ही नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों और इंसानों से जुड़ी कई कलाकृतियां मौजूद रहेंगी। आखिर में गंगा और पाटलिपुत्र की एक गैलरी होगी, जिसमें गंगा के किनारे और पाटलिपुत्र में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, यह देखने को मिलेगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में अब पढ़ाई महंगी होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो नए सत्र में फीस बढ़ाई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त प्रस्ताव दिया गया है। इसमें बढ़ती हुई महंगाई और काफी दिनों से फीस में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई। बैठक में पोस्टल चार्ज बढ़ने पर विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की बात हुई। हालांकि फीस बढ़ाने को लेकर अभी कुछ बैठकें और होंगी, इसके बाद इस पर सर्वसम्मति से फाइनल मुहर लगेगा। नए सत्र के नामांकन के पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। 5 जुलाई से NOU में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा ने बताया कि फीस में आंशिक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव आया है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। पोस्टल चार्ज बढ़ने व अन्य आर्थिक खर्चे बढ़ने से विश्वविद्यालय में थोड़ी मुश्किलें आ रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय में सभी लोगों की सैलरी, किराया आदि सब कुछ विश्वविद्यालय की फीस की राशि से ही दिया जाता है। सरकार से किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता। यही वजह है कि शिक्षकों के पद सैंक्शन होने के बाद भी बहाल नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी विश्वविद्यालय के फंड से दिए जाएंगे। बिहार के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तैयारी जारी है। JEE मेंस का पहला चरण 20 जून से होना है। JEE मेंस के स्कोर के आधार पर ही राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन होना है, लेकिन अब तक इंजीनियरिंग व मेडिकल में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को आरक्षण से संबंधित कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। पार्षद के OSD सिन्हा ने कहा कि अगर सरकार का आदेश प्राप्त नहीं होता है तो सत्र 2022-23 में इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया में लड़कियों को 33% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। वहीं अगर मेडिकल कॉलेजों को भी यह नियम वर्ष 2022 में लागू हो जाएगा तो इन कॉलेजों में लड़कियों की संख्या 50% से अधिक हो जाएगी। बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। झारखंड के निर्माण के बाद बालू और बाढ़ की बहुतायत वाले बिहार के भूभर्ग में अब कीमती वस्तुओं के मिलने की संभावना बलवती होती जा रही है। राज्य के एक इलाके में सोने का खान मिल रहा है तो दूसरे इलाके में तेल के भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के बक्सर और समस्तीपुर जिले में तेल के बड़े भंडार होने का पता चला है। ONGC की माने तो समस्तीपुर जिले के 308 किलोमीटर और बक्सर के 52.13 वर्ग क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तेल की खोज के लिए बिहार सरकार ने ONGC को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा था। ONGC ने बिहार के खान और भूतत्व विभाग को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया है। बिहार सरकार ने ONGC के आवेदन को मंजूरी दे दी है। बक्सर जिला प्रशासन को इस संदर्भ में एक पत्र आया है। बक्सर के जिलाधिकारी ने बताया कि इस आशय का पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है कि गंगा के बेसिन में पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का यह अनुमान है कि बक्सर 52.13 किलोमीटर और समस्तीपुर में तेल के बड़े भंडार हो सकते हैं। DM ने कहा है कि बहुत जल्दी ही ONGC के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। बिहार के उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है जिनका नियोजन छठे चरण में हुआ है। छठे चरण में नियोजित हुए शिक्षकों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। छठे चरण में नियुक्त 42,000 नियोजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और निदेशक रवि प्रकाश, प्राथमिक शिक्षा व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें छठे चरण में नियुक्त 42,000 नियोजित शिक्षकों को सशर्त वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि यदि आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है या अभी प्रक्रिया में है तो दोनों स्थिति में योगदान की तिथि से मासिक वेतन मिलेगा। वहीं मार्च 2023 के बाद भी अगर प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ तब भी विभाग द्वारा अप्रैल 2023 से वेतन देने के संदर्भ में तब निर्णय लिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में अब स्नातक के नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें, पहले 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी और प्रवेश एग्जाम की तिथि 18 जून निर्धारित की गई थी। अब नियमित कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9 जुलाई को, व्यावसायिक कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 12 जुलाई को आयोजित होगा। इस पर निर्णय शनिवार को पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार, कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार और स्नातक नामांकन नोडल ऑफिसर BN कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद भी थे। बिहार में मौसम का उलटफेर लगातार बना हुआ है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी भागों में पछुआ तो उत्तरी भागों में पूर्वी हवा जारी है। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान में वृद्धि होने से चिपचिपाती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं उत्तरी भाग में पूर्वा के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्रदेश के दक्षिणी भागों के 19 जिलों में अगले 48 घंटों तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं, जबकि रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 38.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश में सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया था। चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में बने होने के कारण 10 जिलों के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार समेत भागलपुर में गर्जन बिजली के साथ मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बिहार में अब रिटायर्ड हुए पुलिसकर्मियों को फिर से सेवा देने का मौका है। पुलिस पदाधिकारियों की लगातार घटती संख्या के कारण थानों में बड़ी संख्या में कांडों के लंबित रहने, विधि व्यवस्था संधारण में आ रही परेशानियों को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पदों पर ऐसे पुलिसकर्मियों को फिर से बहाल किया जाएगा जो एक वर्ष के अंदर इन्हीं पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सभी लोगों की बहाली संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए होगी। इसके लिए जिलों में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को नियोजन का मौका मिलेगा। इन सभी का नियोजन संविदा के आधार पर किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजन भी उसी पद पर किया जाएगा जिस पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक साल तक के लिए उनको संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। बिहार के किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति में कई अनियमितताओं का पता चला है। बिना ओरिजिनल कागजात के जांच के ही अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है। नतीजा यह निकला कि एक ही अभ्यर्थी को 2 प्रखंड में बहाली हो गई है। मामला दीघल बैंक और किशनगंज प्रखंड से जुड़ा बताया जाता है। इन दोनों प्रखंडों में शारीरिक शिक्षकों की विगत दिनों हुई बहाली में अभ्यर्थी सद्दाम हुसैन को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मामला का खुलासा तब हुआ जब किशनगंज जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध जिले के सभी 7
प्रखंडों के चयन सूची को देखा गया। बताते चले कि मूल रूप से बंगाल के हरिचंद्रपुर निवासी सद्दाम हुसैन ने बंगाल बोर्ड से सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा 2007 में पास की, जिसके बाद बिहार बोर्ड की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षक क्षमता परीक्षा 2019 में पास की। इसके बाद सूबे में ही हो रही शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन दिया और इनका चयन दो दो प्रखंडों में एक साथ हो गया। इसके बाद इन्होंने दोनों प्रखंडों में एक साथ काउंसलिंग भी करवा ली। यूनिसेफ ने बाढ़ के समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट की 61 यूनिट सौंपी है। प्रत्येक यूनिट एक घंटे में 700 लीटर बाढ़ के गंदे पानी साफ कर सकती है। इसकी मदद से अत्यधिक दूषित बाढ़ के पानी को तुरंत शुद्ध कर पेयजल बनाया जा सकता है। इससे बाढ़ के दौरान पीने योग्य पानी मिलेगा। ये बातें शनिवार को पीएचईडी और जीविका के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा शनिवार को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट की प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यालय में कही गई। आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया था। कार्यशाला में पीएचईडी के अभियंता, जीविका के सीएलएफ अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ साथ यूनिसेफ के आपदा न्यूनीकरण एवं वास टीम के अधिकारियों समेत लगभग 125 लोग शामिल हुए। मौके पर यूनिसेफ के बिहार प्रमुख नफीसा बिनते शफीक ने कहा कि बाढ़ के दौरान खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। मौके पर उन्होंने यूनिसेफ द्वारा खरीदे गए 61 फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट को पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों अधिकारियों को सौंपा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।